गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवकी नंदन गर्ग फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम प्रज्ञा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐप को लॉगिन कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद ऊपर आपको सर्च करना है प्रज्ञा एकेडमी। जैसे ही आप प्रज्ञा एकेडमी डालोगे या तो नीचे नाम आ जाएगा प्रज्ञा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैसे मेरे यहाँ पे आ रहा है, और नहीं आता है तो आपको प्रज्ञा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरा लिखना है। तो आप सर्च करोगे तो उसके बाद ये आ जाएगा। इसके बाद इस ऐप को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है तो पहले आप इसको इंस्टॉल करें, फिर उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें। मेरे पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अब हमें इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ये लॉगिन का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो उसके बाद इस तरह का फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको जो पैनल दिए हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स पैनल है, पेरेंट्स पैनल है और टीचर है, तो अगर आप फ्रेंड्स तो आपको स्टूडेंट पैनल सेलेक्ट करना है, आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स पैनल सेलेक्ट करना है, और अगर आप टीचर हैं तो टीचर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं अभी टीचर पैनल सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करें, और पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स सेलेक्ट करें। तो टीचर पैनल सेलेक्ट करने के बाद ये लॉगिन और रजिस्टर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले, चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो या टीचर हो, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर ओपन करोगे। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे रजिस्टर मोबाइल नंबर, इसमें आपको फिल करना है। तो जो मोबाइल नंबर आपके स्कूल आपने स्कूल में दे रखे हैं, ठीक है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला और गेट OTP पे क्लिक करना है। तो आपके पास इसी नंबर पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे मेरे यहाँ पे OTP आ गया 8171। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो भी आप स्टूडेंट हैं या जो पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों का, जो भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका नाम आ जाएगा। जैसे भी मैं टीचर पैनल से किया था तो मैं नाम आ गया इसमें, ठीक है। आपको इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आप लॉगिन पे जाएंगे, और लॉगिन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम में अपना वही मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड में फिर मोबाइल नंबर डालोगे और लॉगिन करोगे। तो ये प्रज्ञा एकेडमी का जो ऐप है वो लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से अपन लॉगिन कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं, अटेंडेंस का है, माय एप्लीकेशन है, माय सैलरी है, इवेंट्स है, स्कूल है, एप्लीकेशन है, माय स्टाफ, और भी नीचे कई सारे ऑप्शन हैं, तो आप इनका यूज़ करके देख सकते हैं। थैंक यू, लॉगिन करो। तो ये प्रज्ञा एकेडमी का जो ऐप है वो लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से अपन लॉगिन कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं, अटेंडेंस का है, माय एप्लीकेशन है, माय सैलरी है, इवेंट्स है, स्कूल है, एप्लीकेशन है, माय स्टाफ, और भी नीचे कई सारे ऑप्शन हैं, तो आप इनका यूज़ करके देख सकते हैं।